चाहे आपने किसी भी कंट्री में जन्म लिया हो, चाहे वो नॉर्थ कोरिया हो, चाइना हो, जापान हो या फिर कोई और कंट्री हो, लेकिन अगर जॉब करनी है पायलट की तो इंग्लिश आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इंग्लिश यूनिवर्सल लैंग्वेज है सभी पायलट्स के लिए, जो कि कंपलसरी है। वेलकम टू अमेजिंग रैंडम फैक्ट वीडियो नंबर 75। मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो देखो इसको। आशा करता हूँ आज के दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। ...1996 में एक सीरियल किलर पकड़ा गया था जिसका नाम था जोसेफ मैथ्यू, जिससे जब पूछताछ की गई कि जितने भी लोगों को तुमने मारा है उन्हें कहाँ दफना रखा है, तो उसने बताया कि उनकी हड्डियों का तो उसने चूरा बनाकर ज़मीन में फैला दिया, और इसी के साथ साथ जो उनका गोश्त था उसने उन्हें अपने बीफ स्टैंड पर बीफ स्टिक में लगाकर लोगों को पकाकर खिला दिया, जिसमें वो बीफ के साथ में उसे मिक्स करके पका डालता था, जिससे लोगों को शक भी नहीं होता था कि वो क्या खा रहे हैं, जिसकी वजह से लोग खा गए इंसान का मांस ये समझ के कि वो बीफ स्टिक खा रहे हैं। एक रिसर्च में ये पाया गया है कि इस पूरी दुनिया में शेरों की इतनी ज्यादा मूर्तियां हैं कि जितनी जंगलों में शेरों की संख्या भी नहीं है। अलास्का के अंदर उगने वाली फल और सब्जियां पूरी दुनिया में उगने वाली फल और सब्जियों के मुकाबले में ज़्यादा बड़ी होती है, क्योंकि उन्हें 20 घंटे तक की धूप मिलती है, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा बड़ी हो जाती है। जापान के टोक्यो में एक अफ्रीकन ग्रे पैरट मिला था, जिसके बाद में पशु चिकित्सकों को उसने अपना एड्रेस ही बता दिया, ये कह के कि माई नेम इज़ युस्की नाकामोरा और मेरा ये एड्रेस है, जिसके बाद में उसे उसके मालिक से दोबारा मिला दिया गया था। एक्चुअली में ये अपने पिंजरे से निकलकर भाग गया था उड़ के, जिसके बाद में ये खो गया था, और ये एक रट्टू पोपट था, जिसकी वजह से इसने वही सारी बातें बोली जो इसके मालिक ने इसे सिखाई थी, जिसमें इसका एड्रेस भी था, जिसके बाद में इसे इसके मालिक तक दोबारा पहुंचा दिया गया। आपने अपनी लाइफ में कई बार चींटी पकड़ी होगी, गौर से देखने की कोशिश भी करी होगी, लेकिन आप उसका फेस नहीं देख सकते जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया है, और उसका फेस कुछ इस तरीके का होता है जो अगर हम चींटी जितने होते तो हमारे लिए बहुत ही भयानक जानवर होता ये भी। एक रिसर्च में पाया गया कि गरीब आदमी ज़्यादा डोनेशन करता है कंपेयर टू रिच पीपल। आपको लगता होगा कि अमीर आदमी बहुत ज़्यादा की डोनेशन कर रहा है, लाखों में कर रहा है, लेकिन अगर उनकी कमाई देखोगे तो उसका वो बहुत ही छोटा हिस्सा है जिसको वो डोनेट कर रहा है। लेकिन गरीब आदमियों का एक साफ साफ एग्जाम्पल है युगांडा की 200 महिलाएं, जिन्होंने US में आई कैटरीना हरिकेन के विक्टम्स के लिए $900 की डोनेशन कर दी, जबकि वो खुद एक दिन के कमाती हैं $1। कौवा यानी क्रो काफी ज्यादा स्मार्ट बर्ड होता है, जो उतना ही ज्यादा इंटेलिजेंट होता है जितना एक 7 साल का इंसान का बच्चा। इसकी मेमोरी काफी ज्यादा शार्प होती है और लॉन्ग टर्म तक ये काफी ज्यादा चीजें याद रखता है। इसी के साथ साथ लोगों के फेस भी याद रखता है और ये अपनी मुश्किलें भी सॉल्व करनी जानता है, जैसे कि कई एक्सपेरिमेंट किए गए हैं इन पे, जिसमें कुछ पजल्स बनाई गई हैं इनके खाना निकालने के लिए, और इन्होंने उन पजल्स को सॉल्व करके अपना खाना निकाल लिया है। इंसेक्ट्स के अंदर सबसे लंबी उम्र दीमकों की रानी की होती है, जो करीबन 50 साल तक जी जाती है अगर कोई उसको मारे ना। 2010 में माइक्रोसॉफ्ट ने एक एक्सबॉक्स यूजर का अकाउंट बैन कर दिया था, क्योंकि उसने अपने एड्रेस में लिखा हुआ था फॉर्ट गे, तो इसकी वजह से उसे बैन किया गया था। लेकिन उसने अपील करी कि ये एक्चुअली में मेरा एड्रेस है, वेस्ट वर्जीनिया के अंदर एक जगह है जिसको बोला जाता है फॉर्ट गे, जहाँ पे मैं रहता हूँ, जिसके बाद में उसने अपने यहाँ के मेयर तक को कहा कि बताओ भाई उनको कि ये एक है जगह, जिसके बाद में उन्होंने अपील लगाई, तब जाके उनका अकाउंट अनब्लॉक किया गया। लंदन बेस्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनी, जिसका एक सेंटर बेंगलोर में भी है, लॉरेटिव ऑटोमोटिव कॉरपोरेशन, जिन्होंने कहा है कि उनकी 2021 में आने वाली सभी SUV इंडिया के अंदर आपको कन्याकुमारी से लेह तक पहुंचा देगी सिर्फ 12 रिचार्ज में। इनका एक रिचार्ज करीबन 540 किलोमीटर को कंप्लीट करेगा, जिसकी वजह से आपको सिर्फ 12 रिचार्ज ही लगेंगे लेह से कन्याकुमारी तक पहुंचने में। रशिया के अंदर एक स्मारक यानी कि मॉन्यूमेंट है चूहे का, जो डेडिकेट किया गया है उन सभी चूहों को जो साइंटिस्ट की रिसर्च में लेबोरेटरी के अंदर अपनी जान गवा देते हैं। फिलहाल के लिए अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स की इस वीडियो में इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी के साथ साथ अगर इसी तरह की और भी वीडियो देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको पता भी नहीं लगेगा कि मैंने कोई वीडियो डाली भी है।